इंटर पास कर चुके सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी छात्र पार्ट वन में एडमिशन लेने से वंचित रह गए हैं उनके लिए खास करके जो कि एक बार दोबारा मौका दिया गया है, यानी छूटे हुए विद्यार्थियों के लिए है जो पार्ट वन में एडमिशन नहीं ले सके हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूज में क्या है, कह रहा है कि अब तक आवेदन नहीं किया था तो कर सकते हैं फ्रेश आवेदन, स्नातक में दोबारा नामांकन का मौका। तो यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं पार्ट वन, चाहे बीएससी पार्ट वन हो, बीकॉम पार्ट वन हो या बीए पार्ट वन हो, तो इसमें जो है कि आपको दोबारा नामांकन का मौका दिया गया है, आप लोग जो है कि एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि आप फ्रेश आवेदन के लिए कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, ये भी कहा गया है। कह रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पीपीयू में अगर स्नातक रेगुलर कोर्स में नामांकन लेने से वंचित रह गए हैं या फिर किसी कारणवश पहले आवेदन करने से वंचित रह गए हैं तो एक बार फिर आवेदन कर सकते हैं। पीपीयू ने अपना पोर्टल खोल दिया है, इसके लिए 22 नवंबर तक का समय है। तो देखिए 22 नवंबर तक का समय है, अभी आप आवेदन कर सकते हैं, आवेदन हो रहा है, यह अंतिम मौका है। छुट्टियों में भी छात्र आवेदन कर सकते हैं क्योंकि छुट्टियों के बाद उक्त सीटों पर नामांकन का दौर चलेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि अभी जो है कि छुट्टी है तो जो है कि आवेदन नहीं होगा, छुट्टी में भी आवेदन होगा, लेकिन जैसे ही छुट्टी ख़त्म होगा तो आपको जो है कि जहाँ जहाँ सीट खाली है वहाँ पर एडमिशन होगा। और यहाँ पर आप देख ये कह रहा है कि करीब 15,000 सीटें रह गई है खाली, यानी 15,000 सीट खाली है, तो इसलिए 15,000 छात्रों का एडमिशन होगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने ये मौका इसलिए दिया है कि नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बड़ी संख्या में सीटें खाली है, करीब 15,000 खाली रहने की बात कही जा रही है। हालांकि ये सीटें जो 1,10,000 सीटों से बच गई है, पोर्टल को दोबारा खोला गया है ताकि छात्रों को भी फायदा हो और कॉलेजों की सीटें बढ़ जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है कि 24 से 25 को ऑन स्पॉट राउंड के लिए, आप देखिए स्पॉट राउंड एडमिशन भी लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए भी समय दिया है, 24 और 25 नवंबर जो है कि स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए समय दिया गया है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसके बाद जो है कि छात्र जो है कि 29 नवंबर तक जो है कि एडमिशन ले सकते हैं स्पॉट राउंड के तहत। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कह रहा है कि बीएड नामांकन के लिए काउंसलिंग, तो देखिए जो भी छात्र 2019 और 21 सेशन के हैं और पंजीयन नहीं करवाए हैं तो वे पंजीयन करवा सकते हैं और परीक्षा फॉर्म भी भर सकते हैं। उसके बाद जो है कि ऑनलाइन भरने की तिथि जो है 24 नवंबर तक निर्धारित की गई है, और उसके बाद है कि परीक्षा रजिस्ट्रेशन के लिए 24 नवंबर, उसके बाद है कि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक जो है कि परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शुल्क के साथ 25 से 28 नवंबर निर्धारित हो गई है, जबकि परीक्षा प्रपत्र भरने तथा विलम्ब शुल्क के साथ 6 से 9 दिसंबर की अवधि निर्धारित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी खबर है, जो भी छात्र एडमिशन नहीं ले सके हैं पार्ट वन में निश्चित रूप से ले लीजिए। बीएड की काउंसलिंग भी जो है कि इस यूनिवर्सिटी में आयोजित की जाएगी, तो बीएड वाले स्टूडेंट बीएड काउंसलिंग के लिए इस यूनिवर्सिटी में आएंगे।